नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजने वाला है, तो वहीं विधानसभा की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रयासरत। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मूल मंत्रों पर चलती हुई नजर आ रही है और इस समय गांव-गांव में किसान ग्रामीण चौपालों का आयोजन किया जाता है। तो वहीं बलरामपुर में भी किसान ग्रामीण चौपाल का आयोजन किया गया, जहां कोडरी गांव में पहुंचकर सपा नेता अंगद शरण गौतम ने किसानों को संबोधित किया। और वहीं जिले में बढ़ती ठंड और ठिठुरन में गरीबों के लिए मसीहा बनकर करीब हजारों लोगों को कंबल का भी वितरण किया। इस कड़ाके की ठंड में जहां गरीबों को किसी राजनेता व समाजसेवी ने कुछ देने की हिम्मत नहीं जुटाई, तो वहीं सपा नेता अंगद शरण ने गरीबों को कंबल देकर उनका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, इस कड़ाके की ठंड में गरीब लोग कंबल आज नहीं खरीद पाते हैं तो वहीं उनके लिए इस ठंड में भारी समस्या होती है। इसको लेकर वह प्रयासरत है कि अधिक से अधिक लोगों को ठंड से बचाया जा सके। तो वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सपा युवक जनसभा के जिला अध्यक्ष राकेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार युवा विरोधी है, युवाओं को रोजगार के नाम पर छल रही है। योगी सरकार में पेपर से पहले ही पर्चा लीक हो जाता है। इस सरकार में जो गौशाला बनाए गए हैं, वहां पर पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं है। वहां पशु पानी के अभाव में भी मरते हुए नजर आ रहे हैं। यह डबल इंजन सरकार पूरी तरह युवा विरोधी सरकार है। जनपद बलरामपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों का चौपाल भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का कार्यक्रम चल रहा है। हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के जो कार्यकाल 2012-2017 के बीच में उनके उपलब्धियों को बता रहे हैं, किस तरह किसान हमारे पीड़ित हैं, किस तरह जो हमारे गौशाला बनाए गए हैं वहाँ पे एक पानी पिलाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह जो गौशाला बिल्कुल अव्यवस्थित ढंग से चल रहा है, किस तरह हमारे गाय किसानों के फसलों को चर रही है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो समाजवादी पेंशन था इन्होंने ख़त्म कर दिया था, और जो हमारे फसल बीमा जो थे, जो इनका प्रचार प्रसार हो रहा था, हमारे राप्ती नदी के कटान से तमाम लोगों के धान डूब गए, लेकिन किसी को फसल बीमा नहीं दिया गया। ये राप्ती नदी जो कोडरी घाट पे पुल है, माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको पुल को हमारे समाजवादी पार्टी सरकार में बना था, लेकिन उसके बाद अगल बगल के जो गाँव में कटान हो रही है उसकी आज तक इस सरकार में कोई व्यवस्था नहीं हुई है। और इसी को जन जागरण अभियान को लेकर के हम लोग चौपाल लगा रहे हैं और इस डबल इंजन सरकार को हटाने का आह्वान कर रहे हैं। जय भारत, जय अखिलेश, जय समाजवाद। जैसा आप योजना सभा